नमस्कार सभी लोगों को। तो सुबह कंडीशन आप लोगों के सामने, उसके बाद बाबा को प्रणाम करके मैं लग गया वर्कआउट करने के लिए। You first, just like you wanted, gave you me, you took for granted. Now here I am at 28. All my friends, I hardly know them. I don't sing 'cause you're still broken. I almost threw it all away. वर्कआउट के बाद की कंडीशन आप लोगों के सामने है। कुछ लोग मेरे से अब ये सवाल कर सकते हैं कि वर्कआउट करना कब ज़्यादा सही है, और लोगों के दिमाग में आता भी है सुबह करना ज़्यादा सही है, शाम को करना ज़्यादा सही है। देखो, यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, दो सिचुएशंस हैं। अगर आपके पास फ्रीडम है सुबह शाम को करने की, तब आप इस चीज़ को जानें, ठीक है। अगर आपके पास सुबह शाम दोनों टाइम करने की फ्रीडम है तो आप इस चीज़ पर ध्यान दें। अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है, अगर आपके पास फ्रीडम है सिर्फ आप सुबह ही कर सकते हो या सिर्फ आप शाम को ही कर सकते हो, तो ये सवाल आपके लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों के पास फ्रीडम है उनको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखो, मैं काफ़ी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ लेकिन मैं रेगुलर नहीं कर पाया। एक एक महीने का गैप हो जाता था। इस सीरीज़ में मुझे मौका मिल रहा है कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ। देखो, वर्कआउट वो ज़्यादा अच्छा होता है जो आप रेगुलर कर पाओ। जैसे कि कुछ लोग मुझे बोलने वाले कि मैं रेगुलर कार्डियो कर रहा हूँ, रोज़ कार्डियो करता हूँ। नहीं, मैं रोज़ कार्डियो नहीं करता। मैं 4-5 दिनों में एक दिन सिर्फ डांस करता हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल संडे को मैंने कोई कार्डियो नहीं किया था, मैंने खाली कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज कोई नहीं करी, मैंने सिर्फ गाने चलाया और डांस किया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट भी देना है, रोज़ कार्डियो भी नहीं करना, एक आध दिन का रेस्ट भी देना है। दूसरी चीज़ कि सुबह करना ठीक है, शाम को करना ठीक है। अब देखो, इस जर्नी में मैंने जितना भी जाना है, मुझे जितना पता चला है खुद एक्सरसाइज करके, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि रात को जब सो के उठते हो तो शरीर आपका खाली पेट हो जाता है काफ़ी टाइम से। अगर आप सुबह वर्कआउट करते हो तो आप फैट लॉस, वेट लॉस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो मसल बिल्ड के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, मसल का ब्रेक होना, रिकवर होना। और ब्रेक करने के लिए आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, पावर की ज़रूरत पड़ती है। और वो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जब मैं सुबह को करता हूँ, मैं इतना अच्छा हैवी लिफ्ट या इतना इंटेंस ट्रेनिंग नहीं कर पाता हूँ, मैं शाम को ज़्यादा कर पाता हूँ। और ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी है और मैंने ऑब्जर्व भी किया आसपास में कि शाम को इंटेंस ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। तो मेरी अगर आप रिकमेंडेशन सुने तो, अगर कोई आपको कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज करनी है तो आप सुबह के टाइम कर सकते हैं, और अगर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है तो आप शाम को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम नहीं है सुबह शाम को चुनने की, अगर आप सिर्फ सुबह कर सकते हैं या सुबह सिर्फ शाम को कर सकते हैं, तो आप मत इस चीज़ पर ध्यान दो। वो वर्कआउट करो जो आप रेगुलर कर सको, जो आप सस्टेन कर सको। वर्कआउट वो अच्छा है जिसको आप रेगुलर कर सकते हो। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा इस सवाल का। आपको वो वर्कआउट चुनना है जो आप रेगुलर कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं सुबह कार्डियो कर पा रहा हूँ, मैं शाम को वेट ट्रेनिंग करता हूँ, तो ये मैं रेगुलर कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे चुन रखा है और मैं इसे रेगुलर करूँगा और इस चैलेंज को कंप्लीट करूँगा। इस तरह से अपने आप से एक चैलेंज लेना है हम सबको। हम हर गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे कोई लाइफ का हो चाहे हमारी बॉडी का हो। तो वर्कआउट कौन सा अच्छा है सुबह शाम का, वो अच्छा है जो आप रेगुलर कर सकते हो। उसके बाद मैं जिम के लिए तैयार हुआ, बैग उठाया और जिम के लिए निकल गया। आज मैं करने वाला हूँ बैक और बाइसेप।
ये रही वर्कआउट के बाद की कंडीशन, कुछ फर्क है या नहीं है आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। एक्सेस करते टाइम मेरा एक लोअर फट गया था, तो मैंने सोचा लोअर खरीद लेता हूँ, मुझे ये इनर भी अच्छा लगा तो मैंने ये इनर भी खरीद लिया।